घुमा के रखे ताकि हमको भी समझ में आए। चलो ठीक, तो पेपर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या बोल रहा है कि Which of the following question है 46 नंबर, ठीक है। बोलता है a ball 0.66 kg, ठीक है, moving with a speed of 100, the associated wavelength will be, ठीक है, wavelength पूछ रहा है। तो ये कहाँ का है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, बात समझ में आया, कौन सा लगेगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला। तो ये रहा 46 और इसमें हम लोग लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लगेगा, h बाय mv, ठीक है। और h का वैल्यू आपका क्या लिख देंगे हम लोग, 6.6 * 10 रेस टू -34, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, 0.66 * क्या आ जाएगा, 10 रेस टू माइनस सॉरी 10 रेस टू 2 ले सकते हैं क्या, हां। और उसके बाद फिर यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये पॉइंट हटा करके ये आ जाएगा आपका 10 रेस टू -35 मीटर, ये आ जाएगा। कितना 4 वाला है क्या आंसर, कितना दिया है इसका 46 का, डी दिया है क्या, एक सेकंड यहां पे इन 3D ऑर्बिटल, ठीक है, 3D ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर कौन सा है, कौन कौन से क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, और 3D बोल रहा है, ठीक है, 3D, तो 3D का मतलब क्या हो गया, ये 3 क्या है, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, n का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, और n 3 हो जाएगा। उसके बाद ये कौन सा नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ठीक है, प्रिंसिपल के बाद हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं, l का, L तुम्हारा जो है L, ये D से पता चलता है क्या, L यही है ना, सही है ना, हाँ। ये पर फारिस का वैल्यू क्या हो जाएगा, S के लिए होता है 0, P के लिए क्या होता है 1, ठीक है, D के लिए क्या होता है 2, ठीक है, और F के लिए क्या होता है 3, यानी कि L का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 2, अब L 2 हो गया तो M, ठीक है, M बराबर क्या होता है प्लस माइनस 3, ये होगा या 2 वाला हो जाएगा प्लस माइनस 2, m क्या होता है प्लस l से लेकर के माइनस l, यही होता है ना, तो फिर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 2, ठीक है। और उसके बाद s क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस हाफ, तो ये कौन सा आंसर आ जा रहा है इसमें, कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड वाला ना, 47 का कितना थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद 48 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, s, ये तो पता है ना कौन सा हो जाएगा, s, ठीक है। 49 बोलता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ Li 2 प्लस आयन इज 1 मोल ऑफ Li प्लस 2 आयन, ठीक है, क्या बोल रहा, क्या निकालना है इसका, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, 1 मोल ऑफ Li प्लस 2 आयन, ठीक है। तो इसका क्या आ रहा है आपका, 1 दिया है ना आंसर की में, क्या आपका 1, ठीक है। तो बताइए कैसे होगा फिर, ये कैसे निकालेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर आउटर मोस्ट स्टेट, ठीक है, इन गैसियस स्टेट आइसोलेटेड एटम,
सिंपल सा है कि कोई भी यदि हम आइसोलेटेड एटम लेते हैं गैसियस फेज में, ठीक है, वन मोल में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और कहाँ वो निकालेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है, बाहर निकालने में, रिमूव करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको लगे वही क्या होता है तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आया, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा कि डेल पी फॉर्मूला याद है क्या, कुछ फॉर्मूला याद है? डेल पी का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी। डेल्टा किसको बताता है, चेंज को बताता है ना, डेल्टा का क्या मतलब होता है, चेंज, ठीक है। तो डेल पी पर मोल हम क्या बोले, डेल पी पर मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए, ठीक है, एक मोल का बोल रहा है ना, ठीक है, एन ए के साथ हम डेल लिख सकते हैं ना पर मोल, अरे एक मोल का बोल रहा है एन ए हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और डेल ई इज इक्वल टू कितना कर दिया हुआ आपका, एल आई प्लस टू दिया है ना, ठीक है। तो लिथियम, तो लिथियम के लिए हम लोग क्या ले लेंगे फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे डेल ई इज इक्वल टू, ठीक है, डेल ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जेड स्क्वायर आर एच सी राइबर कॉन्स्टेंट वाला, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। उसके बाद हम लोग फिर किसका लिखेंगे, ये Z स्क्वायर, तो लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। राइबर कॉन्स्टेंट हम लोग क्या लिखेंगे, 1.097, ठीक है, 4 पूरा लेना पूरा ले सकते हो। उसके बाद तुम्हारा क्या क्या हुआ है, इनटू, ठीक है, H का वैल्यू ये, और H का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6.3 × 10⁻¹⁴, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इनटू C, यानी C क्या है तुम्हारा, ठीक है, कांस्टेंट है, यानी कि 3 × 10⁸, ठीक। और मोल पर मोल तुम्हारा लिख रहा है, तो यहाँ पे हम एक मोल का भी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 6.023 × 10⁻²। अब इसको पूरा कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, पूरा करने के बाद तुम्हारा वही 1.118 × 10⁴, ठीक है, केजी, हाँ, किलो जूल पर मोल आएगा, ठीक। अब से हम 50 में, ठीक है, 50 वाला क्या बोलता है कि ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप नंबर निकालना है, जेड बराबर 58 का ग्रुप नंबर निकालना है, ग्रुप, तो 58 किसका हो जाएगा, ऑप्शन ए में तुम्हारा दिया हुआ 1, 2 में दिया हुआ 18, 3 में दिया हुआ 17 और 4 में दिया हुआ है 2, ग्रुप नंबर किसका होगा 58, किसका होगा 58, एटॉमिक नंबर कौन से ब्लॉक का आता है, एफ ब्लॉक, लैंथेनाइड से ही, जानते हो ना कहां से कहां तक होता है, हाँ, और उसके बाद फिर कहां से होता है, ठीक है, ये बात है, उसके बाद फिर नहीं, ये तो इधर लगता है बाहर चला गया, हाँ, कहां से होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन सा एटॉमिक नंबर होता है 58 से लेकर के 71, ठीक है, और फिर उसके बाद कहां से होता है 92 से लेकर के 90 से कहां तक 103 या 2, ठीक है। तो ये 58 जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 50 था ना, 50, तो ये जो आपका आ रहा है कौन सा 58, तो 58 ये किसका हो गया, एफ ब्लॉक का, ठीक है, ये क्लियर हो गया ब्लॉक। तो ग्रुप कौन सा होगा इसका, ग्रुप कौन सा होगा, 3 होगा ना, 3 ध्यान में रखना, ये 3, अच्छा ये, अच्छा ये हम पूछ दे, यदि मेंडेलिक्स वाला पूछ दे, तो ये तो 3 आपका कौन सा बता रहा, मॉडर्न वाला ना, 1, 2, 3, मेंडेलिक्स का बोले तो, मेंडेलिक्स का बोले अकॉर्डिंग टू मेंडेलिक्स जो है वो आ जाएगा 3B, आएगा ना 3B,
क्यों? क्योंकि वो ए को क्या बोला था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी एस और पी ब्लॉक था, और बी वाला जो था वो कौन सा था, ट्रांजिशन हॉल। बात समझ में आ रहा? यदि उसके अकॉर्डिंग चले जाए तो ये 3B वाला हो जाएगा, और ऐसे कौन सा होगा 3। एक्चुअली प्रेडिक्टेबल में जो F वाला है वो यहाँ पे देखे होंगे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, और उसको वहां से निकाल करके नीचे डाल दीजिए। बात समझ में आया? लेकिन वो एक्चुअली यदि हम वहां भी ना रखें और उसी में फ्रेम करना चाहें तो उसको तुम 3D समझो। जैसे ये बोर्ड पे है तुम्हारा पूरा सारे एलिमेंट्स, ठीक है, और जो 58 वाला जो है और उसके बाद वाला जो नीचे वाला वो समझ लो पीछे चला गया, मतलब ऐसे है तुम्हारा, और साथ ही साथ ये ऐसे पीछे ऐसे निकला हुआ। बात समझ में आया? तो वैसा फिर कंसीडर हो सकता है, क्लियर है? तो वो किस में रहेगा उस हिसाब से, थर्ड वाले में ही, क्योंकि पीछे आया ना, इधर थोड़ी गया, पीछे आया, और पीछे आया तो उसी ग्रुप में फिर रहेगा। बात समझ में आया? उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, सॉरी ग्रुप नंबर बोल रहा है ना, बाकी है लेट से हो अभी जस्ट 50 में कैमरा चालू है।
इसका होगा sp2, पेपर नहीं है, ऑप्शन है BCl, सॉरी BCl 3, A में है, 2 में है BF3, 3 में है both 1 and 2, और 4 में है तुम्हारा BR3, both 1 and 2, ठीक है, 63, 64, 63 में किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल मतलब ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल यहां पे भी हम देखेंगे तो क्या सेंट्रल सराउंडिंग एटम सबका सेम है, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन ही है ना, तो हम किससे देख लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर फिर कौन आ जाएगा, 63 का सेकंड वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, देन उसके बाद सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है, ठीक है, उसके बाद 64 यदि हम चले जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल कौन सा हो जाएगा, पिरामिडल NH3 वाला, ठीक है, 65 कॉल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCF4 sp3d2 Xc का कितना है, कौन 8, ठीक है, XCF4 तो Xe, ठीक है, और ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये ऊपर और नीचे लोन पेयर, ठीक है, तो दो लोन पेयर होंगे, चार बॉन्ड पेयर होंगे, तो क्या हो जाएगा sp3d2। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 66 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड PCl5 और CCl4 तो नहीं होगा, BCl2 या फिर BCl3, BCl2 67 H2H2O3 the number of sigma bond and pi bonds are option A 6 sigma 2 pi 6 sigma 2 pi pakka हां कैसे बनेगा स्ट्रक्चर ये ऐसा है ठीक है H2H2 ये ये ऐसा ठीक है इसके बीच में भी कौन सा बॉन्ड होगा सिग्मा ही बॉन्ड होगा काउंट हो जाएगा नहीं काउंट होगा सेंट्रल एटम से जुड़े हुए होंगे तो काउंट होगा क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने सिग्मा है और कितने पाई है यही बोल रहा है ना तो ये भी हम ये सिग्मा यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा एक पाई ये तो है सिंगल वाला सिग्मा होता है डबल में एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर्स ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें दोनों जीरो डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पहला वाला होगा ठीक है 69 which of the following species in which central atom does not undergo sp3 hybridization sp3 hybridization कौन नहीं है पहला वाला ठीक है वो कौन सा हो जाएगा sp3d अरे होगा ना हाँ कौन सा हो जाएगा sp3d होगा ठीक है sf4 SF4 तो सल्फर का कितना होता है 16 ठीक है यानी कि 28 और 6 6 इलेक्ट्रॉन है तो चार बॉन्ड बनाया है यानी कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 4 और लोन पेयर बराबर क्या हो जाएगा 1 तो कितना हो गया 5 और 5 के लिए क्या होगा sp3d ठीक है
एक बार आ गया तुम्हारा, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रॉपर्टीज इज नॉट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण, ठीक है बताइए। तीसरा वाला थर्ड, पोलर नेचर ऑफ हैलोजन एसिड इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन एटम। बात समझ में आया, जो पोलर नेचर होता है वो किसके कारण से होता है, हैलोजन एसिड का, वो किसके कारण से होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन एटम, ठीक है। 71 बॉन्ड एंगल ऑफ PS3 पहला होगा, ठीक है, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस देन कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम, क्योंकि सराउंडिंग एटम सेम है, तो सराउंडिंग एटम सेम है तो फिर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा, समझ में आया। 72 कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो तुम्हारा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, जितना बड़ा साइज रहेगा कैटायन का उतना ही कम उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, उस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, सेकंड वाला हो जाएगा ना, सेकंड वाला होगा, कौन सा होगा, कैटायन का साइज देखो बताओ, पेपर है ना सबके पास, 72 कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना बड़ा कैटायन का साइज होगा उतना ही कम उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ऑप्शन नंबर 3, 73 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल कौन फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट रूल कितने लोगों के पास पेपर ही नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, CO2 PCl3 ICl ClF3 कौन सा होगा, 4 ऑप्शन 4। 74 से लेकर के 79 में